हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 24 मार्च 2019 के हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द नेशन इज ऑब्जर्विंग शहीद दिवस और मैट्रिज डे ऑन 23 मार्च। ईच ईयर मार्च 23 होमेज इज पेड टू ग्रेट रिवोल्यूशनरी फाइटर्स भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, हु सैक्रिफाइड देयर लाइफ फॉर द कंट्री। इट वॉज ऑन मार्च 23, 1931। थ्री यंग फ्रीडम फाइटर्स वर हैंग्ड टू डेथ इन द लाहौर सेंट्रल जेल, नाउ इन पाकिस्तान। 23 मार्च को हमारा देश शहीदी दिवस मनाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को हमारे महान क्रांतिकारी सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल, जो कि अब पाकिस्तान में है, में तीन युवा स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियों की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड वाइस एडमिरल करमबीर सिंह प्रेजेंटली फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ ईस्टर्न नावल कमांड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ द नावल स्टाफ विद इफेक्ट फ्रॉम मई 31, 2019। द प्रेजेंट चीफ ऑफ नावल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा रिटायर्स ऑन द सेम डे। भारत सरकार ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह, जो वर्तमान में पूर्वी नेसना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ हैं, जिन्हें 31 मई 2019 से नौसेना स्टाफ का अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा उसी दिन सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट, टाटा कॉफी अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ चाको पुराकेल थॉमस एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ही विल रिप्लेस संजीव सैरिन। ही विल अज्यूम द चार्ज फ्रॉम अप्रैल 1, 2019। टाटा कॉफी ने चाको पुराकेल थॉमस को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह संजीव सैरिन के स्थान पर 1 अप्रैल 2019 से प्रभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस टू जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष एज द कंट्रीज फर्स्ट लोकपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले लोकपाल के रूप में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को पद की शपथ दिलाई। शपथ राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में दिलाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की। द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन क्लाइमेट पॉलिसी लिस्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ 7 इंडियन नेम्स, इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स पीयूष गोयल एंड डॉक्टर हर्षवर्धन, हु टुक इम्पोर्टेंट मेजर्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। द लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाई ए पोलिटिकल ए पीयर टू पीयर लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट्स। द लिस्ट हैज बीन टॉप्ड बाई अलेक्जेंड्रिया ओसेक्यो कॉर्टेज, कांग्रेस वुमेन, यूएस कांग्रेस। जलवायु नीति में 100 सबसे भाग्यशाली या प्रभावशाली लोग की सूची में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन सहित 7 भारतीय नाम शामिल है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह सूची सरकारों के लिए सहकर्मी से सहकर्मी अभिगम प्लेटफॉर्म के रूप में राजनीतिक द्वारा तैयार की गई है। इस सूची में अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस न्यूज, बिजनेस समाचार की।
इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइंस स्पाइस जेट हैज ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA. स्पाइस जेट इज द फर्स्ट इंडियन बजट कैरियर टू ज्वाइन द IATA, विच हैज ओवर 290 एयरलाइंस एज मेंबर. भारत की कम लागत वाली एयरलाइंस स्पाइस जेट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल हो गई है. स्पाइस जेट IATA में शामिल होने वाली भारतीय बजट की पहली बजट जांच कंपनी है जिसके पास 290 से अधिक एयरलाइंस है. और बात करते हैं लास्ट न्यूज स्पोर्ट्स समाचार खेल समाचारों की. इंडिया हैज लिफ्टेड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वोमेंस चैंपियनशिप 5th टाइम इन ए रो, कीपिंग इट्स विनिंग स्ट्रीक. इंडिया डिफीटेड होस्ट नेपाल इन द फाइनल बाय 3-1 इन विराटनगर नेपाल. भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप को 5वीं बार जीता है. अपनी लगातार जीत को बरकरार रखते हुए भारत ने नेपाल के विराटनगर में मेजबान नेपाल को 3-1 से हरा दिया है. तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.